नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आज आपके सामने एक और टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। ये एक सवाल है जो मुझसे मेरे स्थाई खुशी की यात्रा पेज पर पूछा गया है। सवाल है कि आपने एक इंटरव्यू में बताया है कि आपके नेगेटिव थॉट्स सच होने लगे थे। हाँ, मैंने ऐसा कहा है। क्या ये नेगेटिव थॉट्स सच होना तो एक चमत्कार है? क्या ध्यान से चमत्कार होते हैं? देखिए, चमत्कार, अच्छा, ये जो मेरे क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, ये तो मेरे फेसबुक पेज स्थाई खुशी की यात्रा के इनबॉक्स में पूछा गया है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। एक मेरे पर कमेंट किया गया था मेरे वीडियो के नीचे कि ये देखो इस लेडी को, ओशो कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं होता और ये चमत्कार की बातें कर रही है। और ये मुझसे, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, मुझसे पूछ रहे हैं, इन्होंने, इनका लहजा पूछने का है, मेरे ऊपर सवाल उठाने का नहीं है, कि क्या सच में चमत्कार होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि हम चमत्कार बोलते किसे हैं। हम चमत्कार उस चीज को कहते हैं जो हम यूजुअली जनरली नहीं घटते हुए देखते हैं, है ना। सूरज रोज निकलता है तो ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन किसी दिन सूरज ना निकले तो ये एक चमत्कार हो जाएगा। सामान ऊपर से नीचे गिरता है, जब भी गिराते हैं कोई ना वो नीचे गिरेगा तो ये चमत्कार नहीं है, लेकिन वो नीचे की जगह ऊपर, हम उछाले किसी चीज को, वो नीचे की जगह ऊपर ही चला जाए तो वो हमको चमत्कार लगेगा। तो जो भी चीजें हमने नहीं देखी होती हैं कभी, या हमारे एक्सपीरियंसेस से अलग हैं, वो उसको हम चमत्कार बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं मोबाइल फोन की, ठीक है। आज हम किसी के हाथ में मोबाइल फोन देखते हैं, किसी को यहाँ से वहां बात करते हुए देखते हैं, तो हमें कोई ये चमत्कार नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे अनुभव में है कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन जरा सोचिए कि 500 साल पहले या 1000 साल पहले की ही बात कर ले, अगर हम किसी को इस तरह से बात करते देखते कि कोई नंबर दबाया हमने और कहीं पर किसी उसी पर्टिकुलर पर्सन का फोन रिंग करता है, और वो पर्टिकुलर पर्सन कहीं पर भी हो, वहां से उठा रहा है और यहां से वहां मैसेज आ रहा है, तो क्या ये हमें चमत्कार नहीं लगता? लगता। मुझे तो आज भी ये चमत्कार लगता है, क्योंकि मुझे इसके पीछे की साइंस नहीं समझ में आती है। मुझे आज भी चमत्कार लगता है कि मैं जिसका नंबर मिलाती हूँ, ये क्या है कि ये नंबर मैंने मिलाया और वो कहीं पे कॉल गया, उसी को गया जिसको मैंने मिलाया, और वही उठाया और वो जो बोल रहा है उसकी बातें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। वीडियो कॉलिंग तो और भी बड़ा चमत्कार लगता है। तो इसके पीछे का साइंस मुझे नहीं पता, तो ये मुझे चमत्कार, मुझे अभी भी चमत्कार ही लगता है, ठीक है। लेकिन पीछे साइंस है। उसी तरह से जैसे बाहर साइंस होती है, हमारे अंदर भी साइंस है। स्पिरिचुअल पूरी तरीके से साइंस है, बस इसके इसके इसमें हमने बहुत सारा खोजें नहीं की हुई हैं, और ये जो साइंस है वो पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा डिफर भी कर जाता है एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, ठीक है। तो इस वजह से ये उतना डेवलप्ड नहीं है, है ना। वरना अंदर भी हमारे पूरा साइंस है, हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं, सिद्धियाँ हैं जो हम ध्यान करके पा सकते हैं। सिद्धियां हैं जो हठ योगी भी, जो हठ योग करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, हठ योग करते हैं, अपने अंदर की पावर्स को जगा लेते हैं और उनके पास कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जिनकी मदद से वो कुछ चमत्कार दिखा देते हैं, किसी का नुकसान भी कर देते हैं, किसी का फायदा भी कर देते हैं। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ध्यान से सिद्धियां पावर्स मिलती हैं, ये बात सच है। और मैंने जो भी बताया अपने इंटरव्यू में, उसमें कुछ भी ऐसा झूठ नहीं बताया, मेरा जो अनुभव था वो चीज़ मैंने बताई। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिद्धियां पाने के लिए ही ध्यान करें। सिद्धियां पाना, ध्यान से सिद्धियां पाना या हठ योग से सिद्धियां पाना किसी भी तरह से आध्यात्म नहीं है। अगर आपको ध्यान करते करते कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि यानी कि पावर्स, इनेट पावर्स जो होती है, हमारे चक्र जागृत होते हैं तो हमारे कुछ पावर्स हमारे अंदर जन्म लेती हैं। तो अगर ये सिद्धियां आपको मिलती हैं तो इनका उपयोग करना भी गलत है ना। और ये सिद्धियों का प्राप्त होना आध्यात्मिक होना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको परमात्मा तक, या फिर अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है तो आप परमात्मा के करीब पहुंच चुके हैं या आपको मोक्ष मिल गया है, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। सच ये है कि सिद्धियां मिलती हैं, उन सिद्धियों को छोड़ देना या फिर उन सिद्धियों का उपयोग ना करने से ही वो ऊर्जा और बढ़ेगी और एक्चुअल जो आपको
जो ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं वो तभी आप बढ़ पाएंगे जब आप उन पावर्स को छोड़ पाएंगे। वो एक तरह से अटकाव हैं, ये सिद्धियां अटकाव हैं जो बहुत सारे जो ध्यानी होते हैं और साधक होते हैं वो सिद्धियां मिलने के बाद भटक जाते हैं और फिर वो वही या तो तांत्रिक वगैरह का काम करने लगते हैं या फिर अपना जादू टोना दिखाने लगते हैं, अपने आप को प्रूव करने लगते हैं, और ऐसे में उनसे सिद्धियां छिन भी जाती हैं, क्योंकि वो सिद्धियां छिन भी जाती हैं और वो फिर से जो 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 राह चल रहे थे फिर उनको वो राह से इस तरह कदर भटकते हैं कि वो दोबारा उस तरफ नहीं जा पाते। हमारे जो तांत्रिक होते हैं वो बहुत खूबसूरत जीवन नहीं होता है उनका, ऐसा लगता है कि वाह इनमें जादू टोना हो गया, लेकिन वो सब करते करते वो इतने गिर जाते हैं कि उनकी कुत्तों वाली मौत होती है। और इसमें कोई भी बराई वाली बात नहीं है, अगर हमारे अंदर ध्यान करते करते इतनी शक्ति आ गई कि हम अपने शरीर को छोड़ के बाहर निकल पा रहे हैं तो ये कोई बहुत आध्यात्मिक हो जाने के लक्षण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें अगर ऐसा होता भी है तो हमें बहुत बार अपनी चेतना को छोड़ के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो शरीर चेतना है वो बार बार अगर शरीर छोड़ेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने के लिए एक बार चेतना बाहर निकलती है तो लोगों को नशा लग जाता है और बार बार चेतना शरीर छोड़ के चेतना निकाल के घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का भी तो एक साइंस है, हमारी बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं, उम्र से पहले आप बूढ़े हो जाएंगे, उम्र से पहले आपकी जो शरीर है वो आपका कम साथ देगा। तो इस शरीर की रिस्पेक्ट करें, ये भगवान का मंदिर है, और अगर आपको उस तरह की कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो उस सिद्धियों की ना हमको किसी से चर्चा करनी चाहिए ना उन सिद्धियों का हमको उपयोग करना चाहिए। सिद्धियां बहुत लोगों को प्राप्त थी या जो भी ध्यान करते हैं उनको सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, ये कोई सिद्धियां प्राप्त होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको संभाले रखना बहुत बड़ी बात है, उनको संभाले रखना चाहिए। जो भी हमारे बुद्धा हुए, महावीर हुए, कबीर भी हुए, उनके पास भी बहुत सारी सिद्धियां हुई, सबके पास सिद्धियां बहुत लोगों को मिली है, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि वो सड़क पे मदारी की तरह खेल दिखाते हैं या उन्होंने सिद्धियों का उपयोग किया। कबीर के पास भी सिद्धियां थी, लेकिन कबीर ने सिद्धियों का कभी उपयोग करके अपनी गरीबी को दूर करने तक के लिए उन्होंने सिद्धियों का उपयोग नहीं किया, ठीक है। तो जो सच्चे मार्ग पे होते हैं उन्हें अगर सिद्धियां प्राप्त भी हो जाती हैं तो वो उनका उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको राइज होना है। मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई रोग हुआ और आप सिद्धि की मदद से उस रोग को ठीक भी कर लोगे तो भी वो टेम्पररी होगा, क्यों? क्योंकि वो जो रोग आपके शरीर में आया है वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों से आया और उस कर्मों को आपको भुगतना होगा, आज नहीं तो कल। हमारे जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको भी उनको क्या सिद्धियां प्राप्त नहीं थी? क्या वे अपने रोग वो अपना रोग नहीं दूर कर सकते थे? लेकिन वो बहुत कष्टदायी रोग से गुजरे। हम अपने ओशो को भी जानते हैं कि उनको भी बहुत तरह के कुछ रोग थे, जो बहुत सारे दर्द से तकलीफ से वो गुजरते थे, लेकिन वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग अपने दर्द को दूर करने के लिए नहीं करते थे, क्योंकि जो हमारे कर्म है वो हमको भुगत ही लेने चाहिए अगर हमको आगे बढ़ना है, हमको पार होना है, है ना। तो अगर आपको ध्यान करते करते कुछ सिद्धियां प्राप्त होती भी है तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, उन सिद्धियों में जो ऊर्जा है उसको हमको उपयोग करना चाहिए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि चमत्कार होता है, चमत्कार तो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वही होता है जो साइंस है। बाहर जिस तरह से साइंस काम करती है हमारे अंदर भी साइंस काम करती है, ठीक है। हम आध्यात्मिक हो चाहे ना हो, हम एक पर्टिकुलर तरीके से योगा करते हैं, हट योगा भी करते हैं तो भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आध्यात्मिक हो जाने से केवल नहीं हो जाएगी लेकिन सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम बहुत जानते हैं हमारे जो एंशिएंट टाइम में हमारे जो गुरु होते थे उन लोगों के पास बहुत सारी शक्तियां होती थी, राक्षसों के पास भी बहुत शक्तियां होती थी, रावण के पास भी शक्तियां थी, राम से ज्यादा शक्तियां रावण के पास थी। तो वो कैसे शक्ति आ जाती है? हमारे अंदर की शक्तियां वो जगा लेते हैं, हठ योग वगैरह तपस्या करके शक्तियां जगा लेते हैं, वो शक्तियां जगाई जा सकती हैं, लेकिन वो शक्तियों को जो दुरुपयोग होता है तो रावण का क्या हाल हुआ? खाली अहंकार जमा कर लिया, अंत में आप लोग जानते ही हैं। तो हमको बुद्ध बनना है, महावीर बनना है कि हमको रावण बनना है, ये हमें खुद डिसाइड करना है। चमत्कार होते हैं लेकिन हमें चमत्कार अगर हमें वो सिद्धियां मिलती भी हैं जिससे चमत्कार हम कर सकते हैं तो हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साधक हैं
जो बहुत सारी सिद्धियां जिन्हें मिली हुई हैं, लेकिन वो कभी ना उसके बारे में कोई बात करते हैं, ना उनका उपयोग करते हैं। वो उन सिद्धियों को की ऊर्जा को जमा करते हैं ताकि वो राइज कर सके, क्योंकि उसमें समय लगता है। हमने बहुत सारे चीजों से जकड़े हुए हैं तो हम उठ नहीं पाते हैं, तो वो जो सिद्धियां हैं वो हमको ऊपर उठाने में, हमको अपने अंदर ऊपर उठने में मदद कर सकती हैं। अगर हम बाहर उनका उपयोग करेंगे तो हमारी जो साधना है वो रुक जाएगी। नमस्कार। मेरा आज का सवाल, क्या गरीबों को ध्यान करना चाहिए?